हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बनाने वाले एक सोल्डरिंग आयरन। सो गाइस, ये आपको साइज में भले ही छोटा लग रहा होगा, पर गाइस ये इसके साइज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा तगड़ा वर्क करता है। और गाइस, आप भी इसको आपके घर पे आसानी से बना सकते हो, क्योंकि गाइस इसको बनाने में जो भी कंपोनेंट यूज हुए हैं वो आपको आपके घर पे ही आसानी से मिल जाएंगे। तो गाइस, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो गाइस, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, आप चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ, लेट्स मेक इट। सो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरह की कील की। सो गाइस, ये नॉर्मल कील है जो लकड़ी वगैरह में ठोकी जाती है। सो गाइस, इसके ऊपर जहाँ से इसको ठोकते हैं वहाँ से गाइस मैं आरी की मदद से इसको काट लेता हूँ। तो काटने के बाद गाइस ये कुछ इस तरह से दिखेगी। सो गाइस, नेक्स्ट आपको जरूरत पड़ेगी फाइबर स्लीव की। सो गाइस, यकीन मानो ये फाइबर स्लीव आपको मोटर वाइंडिंग की शॉप में 2-3 रुपए की बड़ी आसानी से मिल जाएगी। सो गाइस, अब आपको फाइबर स्लीव को कुछ इस तरह से कील के ऊपर लगा लेना है। सो गाइस, मैंने 1/2 इंच के लगभग कील के ऊपर फाइबर स्लीव को कुछ इस तरह से लगाया है। सो गाइस, अब आपको लेना है कॉपर का वायर। सो गाइस, इसके ऊपर की जो कोटिंग होती है उसको आपको निकाल लेना है। गाइस, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। सो गाइस, नेक्स्ट आपको जरूरत पड़ेगी नाइक्रोम वायर। सो गाइस, जैसे कि मैंने वादा किया था कि आपको सारे कंपोनेंट आपके घर पर ही मिल जाएंगे, सो नाइक्रोम वायर भी गाइस मैं आपको जुगाड़ की मदद से निकाल के दिखाऊंगा। सो गाइस, आपको नाइक्रोम वायर निकालने के लिए कुछ इस तरह के सर्किट की जरूरत पड़ेगी। सो गाइस, ये सर्किट ऐसे ही फालतू पड़े हुए थे। तो गाइस, इसमें से ये वाला सर्किट हमारी LED का है और ये वाला सर्किट हमारे चार्जर का है। सो गाइस, आप देख सकते हो इसमें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सो गाइस, इसको आपको निकालना है। सो गाइस, मैं इसे सोल्डर की मदद से डिसोल्डर करके बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए गाइस, इस रेजिस्टेंस को मैंने निकाल लिया है। तो नेक्स्ट गाइस, आपको ब्लेड की मदद से इसके ऊपर की जो कोटिंग रहती है उसको आपको निकालना है। तो गाइस, आपको धीरे धीरे करके उसकी कोटिंग निकालना है, क्योंकि गाइस ब्लेड की वजह से हमारा नाइक्रोम वायर डैमेज भी हो सकता है। इसलिए गाइस, आपको धीरे धीरे उसकी जो कोटिंग है उसको निकालना है। तो देखिए गाइस, नाइक्रोम वायर का टुकड़ा हमको दिख चुका है, तो उसको गाइस मैं खींचता हूँ। तो देख सकते हो गाइस, हमारा नाइक्रोम वायर इसमें से निकल रहा है। तो गाइस, इसमें से नाइक्रोम वायर आपको जितनी ज़रूरत है उससे तो मतलब ज़्यादा ही निकला है। तो गाइस, ये करके आप भी आपके घर पे नाइक्रोम वायर निकाल पाओगे। तो अब गाइस, आपको कॉपर वायर लेना है। और गाइस, हमारी फाइबर स्लू है उसके ऊपर नाइक्रोम वायर रख के उसके ऊपर हमारा जो कॉपर वायर उसको लपेट देना है। सो गाइस, आपको टाइटली उसके ऊपर लपेट देना है उसको। गाइस, ये बात का भी ध्यान रखना कि नाइक्रोम वायर और जो हमारा कॉपर वायर है वो एक दूसरे से टच हो रहे हों। सो गाइस, नेक्स्ट आपको हमारा जो नाइक्रोम वायर है उसको 3 राउंड उसके ऊपर लपेटना है। गाइस, जो हमारी फाइबर स्लू है उसके ऊपर आपको उसके 3 राउंड लपेटना है। गाइस, आपको ज़्यादा नहीं लपेटना है, सिर्फ 3 राउंड। सो गाइस, 3 राउंड करने के बाद हमारे नाइक्रोम वायर के ऊपर आपको कॉपर वायर को कुछ इस तरह से टच करते हुए एकदम बढ़िया से टाइट लपेट देना है। तो ये करने के बाद गाइस, हमने पतली वाली फाइबर स्लीव ली है। और गाइस, ये फाइबर स्लीव को मैं उन कॉपर के वायर पे चढ़ा देता हूँ। सो गाइस, हमारे दोनों वायर को मैंने कुछ इस तरह से इनमें उलझा दिया है, जिससे फ्रेंड्स ये बाहर ना निकले हमारी फाइबर स्लीव। तो नेक्स्ट गाइस, एक और फाइबर स्लीव लेना है। और गाइस, आपको उसको बीच में से कट कर लेना है। देख सकते हो फ्रेंड्स वीडियो में, आप कुछ इस तरह से आपको बीच में से उसे कट कर लेना है। और कट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह से इसके ऊपर आपको लगाना है। देख सकते हो फ्रेंड्स आप वीडियो में। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके कोने पे आपको सुपर ग्लू लगा के इसको एकदम बढ़िया से चिपका देना है। तो ये सब करने के बाद गाइस, हमारा हीटिंग एलिमेंट बनकर रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट गाइस, आपको एक खराब सेल लेना है। और गाइस, उसकी जो बॉडी रहती है लोहे की, उसको फ्रेंड्स आपको ब्लेड की मदद से निकाल लेना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने ये निकाल लिया है। और गाइस, इसको फ्लैट करने के लिए मैं फर्सी पर रख के इसको गाइस में चुग्गे की मदद से एकदम ठोक ठोक के इसकी एकदम फ्लैट चादर बना लेता हूँ। तो देखिए गाइस, इसको एकदम बड़े से आपको इस तरह से फ्लैट कर लेना है। सो नेक्स्ट गाइस, मैंने एक स्क्रू ड्राइवर लिया है। और गाइस, उसके ऊपर मैंने जो हमारी चादर थी उसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरह से उसको दबाते हुए गोल कर लिया है हमारी चादर को। देख सकते हो फ्रेंड्स आप वीडियो में, आपको भी कुछ इस तरह से फ्रेंड्स उसके ऊपर ऐसे करते हुए आपको उसको मतलब चुग्गे से दबा के एकदम बढ़िया से गोल कर लेना है।
और फ्रेंड्स हमारा जो एक्स्ट्रा मेटल है उसको आपको कट कर लेना है। तो गाइस वीडियो में देख सकते हो कितनी बढ़िया से एकदम ये गोल बन चुकी है हमारी चादर। सो गाइस नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है उसको गाइस आपको कुछ इस तरह से इसके अंदर इसको डाल देना है टाइटली, एकदम ये फिट हो रही है आप देख सकते हो वीडियो में। सो गाइस नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ मार्कर। सो गाइस ये खराब हो चुका था मार्कर, तो ऐसा ही पड़ा हुआ था मेरे पास। सो गाइस इसकी मैं इससे बॉडी बनाऊंगा। सो गाइस इसका अंदर का मटेरियल और इसका जो ढक्कन है उसको मैं फेंक देता हूँ, ये कोई काम की नहीं है अभी हमारे लिए। और नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं उसके ऊपर से उसको काट लेता हूँ कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हो। सो उसके बाद फ्रेंड्स मैं उसको कुछ इस तरह से घिस भी लेता हूँ। आपको एक यूएसबी लेना है। सो गाइस ये ऐसी घर पे पड़ी हुई थी देख सकते हो फ्रेंड्स, ये डैमेज भी हो चुकी थी तो मैंने सोचा इसका इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस यूएसबी का आगे का हिस्सा आपको कुछ इस तरह से काट लेना है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ वायर्स ऑन दिखेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे सिर्फ रेड और जो व्हाइट वायर है वो हमारे लिए काम के, बाकी सब फ्रेंड्स आपको इनको काट देना ही हमारे लिए फालतू है, क्योंकि गाइस मेन करंट हमारे रेड और व्हाइट वायर में ही आएगी। तो अब गाइस हमारे जो यूएसबी के दो तार है और हमारे जो एलिमेंट के दो तार है उसको गाइस मैं दोनों को मतलब जोड़ लेता हूँ। तो गाइस इसमें कोई प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा वायर कहीं भी जोड़ सकते हो। तो गाइस इसके ऊपर मैं हीट श्रिंक लगा के इसको गर्म करके चिपका देता हूँ। सो गाइस आप हीट श्रिंक की जगह टेप भी यूज कर सकते हो। तो देखिए गाइस हमारे वायर ज्वाइंट हो चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी बॉडी के अंदर मैं इस एलिमेंट को इस तरह से फिट करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर सुपर ग्लू लगा देता हूँ। और फ्रेंड्स हमारा जो पीछे का वायर है उसके ऊपर मैं काली टेप लगा देता हूँ, जिससे फ्रेंड्स ये खींच नहीं जाए। सो गाइस ये सब करने के बाद हमारा फाइनली सोल्डरिंग आयरन रेडी हो चुका है। तो इसको चलाने के लिए गाइस आपको जरूरत पड़ेगी 5 वोल्ट के चार्जर की। तो गाइस ये 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का एक मोबाइल चार्जर है। सो गाइस मोबाइल चार्जर के साथ आपको इसको कनेक्ट कुछ इस तरह से कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसको प्लग में लगाने के बाद स्विच ऑन कर देना है। फिर गाइस 20 से 30 सेकंड वेट करना है, फिर ये गर्म हो जाएगा। तो देखिए गाइस गर्म होने के बाद ये सोल्डरिंग वायर को कितनी आसानी से पिघला दे रहा है। तो देखिए गाइस आप इससे सोल्डरिंग भी कर सकते हो। क्या बात करता है यार? ओह सॉरी, सोल्डरिंग करने के लिए तो इसे बनाया है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। सो पर्सनली गाइस मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि गाइस हमने इसे घर पे पड़े फालतू सामान से ही बना लिया है। तो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। सो आपको पता है कि हमारे चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं दिखूंगा आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।